23 सितंबर की सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। यह लाइन हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था और आज उनका जन्मदिन है, उनको सत सत नमन। उन्होंने ही कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है। उत्तर प्रदेश का भी सिंहासन डोल रहा है। बहन मायावती जी ने ट्वीट किया और वह ट्वीट का संदर्भ यह है कि आज तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता का आय नहीं बढ़ा। तो पिछले 5 सालों में आपने किस प्रकार की सरकार चुनी, ये आज आपसे हमें जवाब चाहिए। पूरा देश आपसे ये जानना चाहती है और देश यह भी जानना चाहती है, जैसे कहते हैं पूछता है भारत, 100 ग्राम ड्रग्स के लिए रिया चक्रवर्ती को रिमांड, पूरी मीडिया उसके पीछे पागल, और 3000 किलो जो गुजरात के कच्छ में जो है मुद्रा सी पोर्ट यानी मुद्रा बंदरगाह से 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए, क्योंकि वह जो सी पोर्ट है, बंदरगाह है, वह गौतम अडानी का है। क्या पूछताछ करेंगे? क्या भारत आज पूछेगा कि ये 3000 किलो ड्रग्स किसके किसके द्वारा लाए गए, किसने जो है मुंह फेर लिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो है मात्र 5 किलो चावल और गेहूं पर क्या फिर से सरकार चुनेगी? क्या जो मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 21 के ऊपर, जहां यह सवाल किया गया था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का असली अर्थ क्या है, लॉजिंग एंड फूडिंग, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और इसमें 9 जज बैठ गए थे सर्वोच्च न्यायालय के। क्या कपड़ा और 5 किलो चावल गेहूं देकर किसी की जिंदगी को आप तय कर सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की जनता आज जवाब दे? क्या 5 किलो चावल और गेहूं वाली ही सरकार चाहिए दोबारा? क्या रिजर्व बैंक झूठ बोल रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता की आय नहीं बढ़ी? और जैसे ही उनका आया रिपोर्ट, बहन मायावती जी जो सबसे स्ट्रांग लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, बसपा जो है आने वाली सरकार है ऐसी अपेक्षा की जा रही है, उन्होंने ट्वीट किया और सवाल किया कि अब तो रिजर्व बैंक ने भी मुहर लगा दी, अब ये डबल इंजन वाली सरकार यानी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और देश में मोदी सरकार, ये दोनों सरकारें बताए कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ऐसा क्या किया जो पूरे देश की जनता का आय बढ़ा और उत्तर प्रदेश की जनता की आय वही की वही रह गई। ये सरकार को जवाब देना चाहिए। रही बात ये, एक इंटरव्यू में नेशनल चैनल पर जब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया कि आप दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू कर रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ऑन एयर लागू कर देता हूं, लेकिन कुछ प्रश्नों का जवाब चाहिए। जिसके पास स्कूटर हो, जिसके पास मोबाइल फोन हो, जिसके घर में फ्रिज हो, वह आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आते। जितने भी लोग बैठे हुए हैं दर्शक, ये बता दें ऐसा कौन सा दर्शक है जिसके जेब में मोबाइल फोन नहीं है? और जब मोबाइल फोन नहीं है तब सरकार कहती है, मोदी सरकार, कि आपको 5 लाख का जो इंश्योरेंस किया है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो बगैर मोबाइल वाले जो लाभार्थी हैं वो ऑनलाइन कहां चेक करेंगे, क्योंकि मोबाइल अगर होगा तो वो आयुष्मान योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। अगर उनके पास स्कूटर होगा, अगर उनके पास अपना मकान होगा, अगर उनके पास घर में फ्रिज होगा, तो वो आयुष्मान योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। तो फिर वो कैसे ऑनलाइन 5 लाख का इंश्योरेंस चेक करेंगे? कहने का मतलब, चलनी में पानी भरने वाली ये योजना है, ये कैसे लागू करूं आप ही लोग बता दीजिए। कुल मिलाकर
केंद्र सरकार की जो भी योजना होती है वो हवा हवाई, और उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 5 सालों में ठगी की ठगी रह गई। ये खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप और हम मिलते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे, चर्चाएं होती रहेगी। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम आपकी आवाज है, आपके मुद्दे उठाते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।